उसी में फेल हो जाता हूँ। मैं हर बार गलती कहाँ पे करता हूँ, क्यों मुझे बार बार हर चीज में फेल होना पड़ता है। अगर आप भी बहुत दिनों से इसी तरह के किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो लेकिन किसी भी तरह से आपको नहीं मिल पा रहा, तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में ग्रैंड कार्डोन का एक बहुत ही फेमस बुक द 10x रूल से आपके साथ मैं इसी क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, फोर्थ डिग्री एक्शन। ऑथर के मुताबिक किसी भी काम में एक्शन टेकिंग इंटेंसिटी को 4 डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री एक्शन और डू नथिंग। जैसे कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है, वो सीखने के लिए कभी भी कोई कोशिश ही नहीं किया, सिर्फ इसको उसको अपने लक को ब्लेम करते रहे। नंबर 2, सेकेंड डिग्री एक्शन और अवॉइडिंग। जैसे कि कोई एक अच्छा वीडियो देखा या कोई एक अच्छा बुक पढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन फिर भी उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। आज ना कल, कल ना परसों, ऐसे करके उसको अवॉइड करता रहा। नंबर 3, थर्ड डिग्री एक्शन और नॉर्मल एक्शन। जैसे कि बुक पढ़ा, कुछ सीखा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी किया, लेकिन बस 2 या 3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। और आखिर में नंबर 4, फोर्थ डिग्री एक्शन और मैसिव एक्शन। जैसे कि बुक पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन सब में से शायद एक चीज अच्छा लगा, उसे ही लेकर और भी ज्यादा रिसर्च किया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने का प्रॉपर एक प्लान बनाया, और फिर आज से ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और तब तक करते रहे जब तक कि ना वो आदत ना बन जाए। यही है सक्सेस की असली की। ऑथर कहते हैं फोर्थ डिग्री एक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, मैसिव एक्शन। नंबर 2, डिसिप्लिन। एंड नंबर 3, परसिस्टेंस। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप किसी काम में एक्शन लेते हो, तो उस काम में सक्सेसफुल होने से आप खुद भी खुद को नहीं रोक सकते। लेकिन इस 4th डिग्री एक्शन में खुद को एंटर करवाने के लिए आपको अपना अभी का एक्शन लेवल 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उस एक्शन लेवल को खुद का टारगेट बनाना होगा। स्मार्ट आइडिया 2, 10x गोल्स। कोई भी गोल सेट करने से पहले ऑथर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। वो क्वेश्चन है, आर माई गोल्स इक्वल्स टू माई पोटेंशियल। ऑथर के मुताबिक हम खुद ही नहीं जानते हमारा पोटेंशियल सही में कितना ज्यादा है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं अब हमें जो हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल लग रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसके मुताबिक हमें गोल सेट करना चाहिए। काफी समय क्या होता है, हम कुछ ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो हमारे पोटेंशियल को बिल्कुल ही चैलेंज नहीं करता है, बोरिंग गोल्स। इस प्रॉब्लम की सलूशन के तौर पे ऑथर कहते हैं हम सबको सबसे पहले 1 ईयर के मुताबिक एक बड़ा गोल सिलेक्ट करना होगा जो हमें हमारे पोटेंशियल के बराबर लगता है, उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको टारगेट बनाना है, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हर मंथ के मुताबिक, और उसके बाद फाइनली हर दिन में कितना प्रोग्रेस करना चाहिए उसे कैलकुलेट करके उस हिसाब से चलना होगा। स्मार्ट आइडिया 3, स्मोकी क्रिएचर। खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सब जानते हैं, कैसे खरगोश पहले से ही बहुत अच्छे से दौड़ना शुरू करके भी बीच में जाके सो जाने की वजह से रेस हार जाता है, और कछुआ स्लो और स्टेडी रह के वो रेस जीत लेता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्रिएचर होता जो शुरू भी अच्छा करता और पूरे रास्ते में भी कंसिस्टेंट रहता बिल्कुल आखिर में फिनिशिंग लाइन तक, तो वो क्रिएचर इन खरगोश और कछुआ दोनों को ही हरा देता। ऑथर ने इस क्रिएचर का नाम दिया है स्मोकी क्रिएचर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, परसिस्टेंट है और जो डेडिकेटेड भी है। इसको हराना काफी मुश्किल है, तो लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए खरगोश बनने से भी नहीं चलेगा। मतलब जो शुरू में तो बहुत एक्साइटेड रहता है लेकिन फिर 2 या 3 दिन बाद ही सब कुछ छोड़ देता है। या कछुआ होने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि कछुआ होने से वो एवरेज कैटेगरी में आ जाएगा, और आज के डेट में एवरेज लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए इस कंपटीशन से ऊपर उठने के लिए हमें स्मोकी बनना होगा। और ये स्मोकी बनना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट, इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके कोई भी आसानी से स्मोकी बन सकता है। स्मार्ट आइडिया 4, स्टार्व फियर्स। आपके हिसाब से फियर मतलब डर का फेवरेट फूड क्या है? ऑथर के मुताबिक फियर का फेवरेट फूड है टाइम। जितना ज्यादा टाइम आप फियर को प्रोवाइड करोगे, फियर उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए आपको बाइक चलाना सीखने में बहुत डर लगता है, अगर किसी को जाके ठोक दूं तो तब क्या होगा? अगर ठीक से नहीं संभल पाया तो फिर तो गिर के हाथ पैर टूट जाएगा। कोई जरूरत नहीं, कुछ दिन बाद सीख लूंगा। अब जितना दिन गुजरेगा आपका डर उतना ही बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि फियर को उसका फेवरेट फूड टाइम जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा, और ये आपको उतना ही ज्यादा और कमजोर कर देगा, एंजाइटी बढ़ता ही जाएगा। मोर टाइम इक्वल्स टू मोर फियर। इस इक्वेशन में अगर हम टाइम को कम कर देते हैं तो फियर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसका एक ही रास्ता है, जितना जल्दी हो सके फियर को फेस करना होगा। ऑथर मानते हैं फियर का सिग्नल उतना भी बुरा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे हमें पता चलता है कि अब समय आ गया है अपने पोटेंशियल को पार करके उस पार पहुंचने का, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा डर की दीवार के उस पार ही होता है। डर के आगे जीत है। स्मार्ट आइडिया 5, बी ऑब्सेस्ड।
आज के टाइम में एवरेज के लिए कंपटीशन बहुत ही हाई है और इस कंपटीशन से ऊपर उठने का सिर्फ एक ही तरीका है, बी ऑब्सेस्ड, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को नोटिस करोगे तो आप देखोगे वो लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। उन लोगों को और किसी दूसरे चीज में ध्यान ही नहीं होता है, उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी एक ही चीज में होता है। मतलब वो लोग जिस तरह से फोकस के साथ, जिस तरह के डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं, उसे देख के एक नॉर्मल इंसान को लगेगा यार ये तो सच में पागल है या शायद इसे कोई बीमारी है। लेकिन सच बात तो यह है कि ऑब्सेशन कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक गिफ्ट है। 450 डिग्री फारेनहाइट तक भी आग का कोई भी निशानी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 451 डिग्री फारेनहाइट में पहुंचते ही आग जल उठता है। सिर्फ ये 1 डिग्री का डिफरेंस ही बहुत बड़ा फर्क ले आता है और इस 451 डिग्री तक डटे रहने के लिए जरूरत है ऑब्सेशन, फोकस एंड मैसिव एक्शन। नहीं तो 450 डिग्री में पहुंच के भी कोई क्विट कर ले सकता है। सो बी ऑब्सेस्ड इफ यू वांट टू फ्लेम अप योर लाइफ। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। रितम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा एक फीडबैक देने के लिए। हमें उम्मीद है आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद।